लालामूसा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गालम गलोच और नफरत की सियासत के शायद थोड़े अरसे के लिए फायदा उठाया जाए और ये लाडले की पुरानी आदत है, ताहम इस अमल से कौम को लंबी मुद्दत के लिए नुकसान पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कठपुतली इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब की गलत फहमी है कि साजिशें करके वो वजीर आजम बन सकते हैं। अगर वो इतने ही मकबूल होते और अवाम उनके साथ होते तो उन्हें इतनी सहूलतें देने की क्या जरूरत थी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीटीआई हो या जीडीए, वो आजादाना इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर सकते। जो भी साजिशें हो रही हैं, एक दिन उनके सबूत सामने लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि अवाम दोस्त पॉलिसियों को मुल्क की सियासत पर तरजीह दूंगा। पहले भी कहा कि कलदम तंजीमों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन पर बार बार एतराज किया और इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की। कलदम तंजीमों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की मुजम्मत करता हूँ।